डॉक्टर साहब, एक बात और है कि इसी से लगा हुआ सवाल है कि अभी जो चंद्रशेखर अपने यहाँ से निकले थे सहारनपुर से और उनको आना था दिल्ली, 15 तारीख उनकी रैली थी, उसके बीच में बताया जाता है कि उनका जो भी एक सिनेरियो रहा, पुलिस ने पकड़ा या आचार संहिता लगी हुई थी, जो भी चीज़ रही हो, उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज एडमिट हो गए, उसके बाद उनसे कोई भी लोग नहीं मिलने गए पार्टी पॉलिटिकल तरीके से, ना तो बसपा के, ना सपा के, ना बीजेपी के, और कांग्रेस के पहुंचे हैं, इसलिए मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, कांग्रेस की प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची हैं राज बब्बर जी के साथ, तो इसके मिलने का क्या तात्पर्य निकालते हैं? ये शर्म आनी चाहिए इस तरह की राष्ट्रीय पार्टी के लोगों को कि सहारनपुर में इतना बड़ा दंगा फसाद हुआ, तब नहीं पहुंचे, वहां पे सैकड़ों घर जला दिए गए, देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे रोज अत्याचार ना हो रहे, अमेठी में अत्याचार हो रहे हैं जी, आप वहां पे नहीं जा रहे हैं और आप चंद्रशेखर के पास पहुंच गए तुरंत, किस लिए पहुंच गए, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है उसको पकड़ा जाता है, आपने जब आचार संहिता देश के अंदर लग गई है, बहुजन समाज पार्टी ने आचार संहिता लगने की वजह से डिक्लेयर किया कि 15 मार्च के जो हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम होने वाले थे अब वो नहीं होंगे, सीधी सी बात है, देश में कानून व्यवस्था का राज है, कानून व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार अगर ये कह रही है कि आचार संहिता लगी है और आपको परमिशन लेनी चाहिए और उसके बाद ही हम अलाउ करेंगे या इतनी बड़ी संख्या में अलाउ नहीं करेंगे, तो मानना चाहिए, आप एक राजनीतिक ड्रामा करके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और फिर अचानक जेल में जाके किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, इसमें कोई व्यक्तिगत रूप से ये नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक ड्रामा जो है वो चल रहा है और कांग्रेस इस मामले में बहुत माहिर है, वो चाहे राहुल गांधी रहे हों या महात्मा गांधी रहे हों, वो ड्रामे करने में बहुत होशियार लोग हैं, इसलिए इस ड्रामे को कम से कम उत्तर प्रदेश में तो मैं कह सकता हूँ कि कोई सफलता नहीं मिलने वाली है, और माननीय प्रियंका गांधी जी जो हैं पिछले 4-5 चुनाव से हर बार चुनाव के समय पे आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है, यहाँ का जो मतदाता है, यहाँ का जो बहुजन कैडर है, वो अच्छी तरीके से समझ रहा है कि भाई क्या आप ये मजाक लगा देंगे।